गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 1994 1994 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस कर रहे थे, जिसमें 10 तक किए थे। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, है ना? तो चलिए चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका, ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना। इसमें ये पूछने का प्रयास किया गया है, ये कह रहा है कि विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। मतलब कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारण करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एरिटेन एंड डिजिट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी वेस्टिंग एरिस्टिट्यूटरी पावर विथ सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। देखिए फेडरल मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। फेडरल मीन्स कहने का ये अर्थ है कि सेंट्रल और स्टेट का, सेंटर एंड स्टेट का जो होता है, जो पावर शेयरिंग होता है, दोनों का अपना अपना होता है ना। नहीं, कहने का अर्थ ये है कि ये अपना वर्क अलग करते हैं और ये जो वर्क करते हैं अपना अलग करते हैं, दोनों का सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट सीधा सा। जैसे कि हम जब हम पावर की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, जिसमें तीन लिस्ट होता है ना। कौन कौन सा लिस्ट होता है? यूनियन लिस्ट होता है ना, उसके बाद आपका सेंट्रल लिस्ट होता है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट होता है। तो सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे जो भी लॉ बनाने का काम आता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो इसमें क्या होता है ना, सेंटर और स्टेट का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं एक यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, या जो आपको बताए हैं इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आपको पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। इसमें ये दिया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये पूछा जा रहा है कि गिवेन बिलो आर वोटिंग परसेंटेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर इन थ्री सक्सेसिव इलेक्शंस लोकसभा, तीन लोकसभा इलेक्शंस का है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा था कौन से किसको कितना परसेंटेज वोट आया है, उससे आपको फिर नीचे क्वेश्चंस होगा। तो चलिए कहता है यहाँ पे 1984 की बात कर रहे हैं, उसको 1989 का और 1991 का। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स 1984, ठीक है, 7.4, 1989 में 11.4, 1991 की जब बात करते हैं यहाँ पे कहता है 22.4। कहता है द पार्टी विच सिक्योर दिस परसेंटेज ऑफ वोट, तो कहता है कि इतना वोट किस पार्टी ने गेट किया था, है ना, प्राप्त किया था। तो जब हम ये बात करते हैं तो ये देखिए तीन इलेक्शंस हैं, ठीक है, 1984, 1989 और 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है ना, ये वेरी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, है ना, बीजेपी होगा। क्योंकि जब आपको याद होगा तो जब भी ये जो ईयर दिया हुआ है 1984, 1989 और 1991, ठीक है, तो इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट था, है ना। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट था तो न्यूनतम वोट किसको था, तो बीजेपी था, है ना, बीजेपी हो गया, और भी जो भी पार्टी था, लेकिन ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये बीजेपी का दिया हुआ। तो वही कहता है बीजेपी उस समय इतना परसेंटेज वोट प्राप्त किया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड, है ना। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन में ये बताने का प्रयास किया, पूछा जा रहा है कि द चेयरमैन, क्या पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, द चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, द डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कहता है ए ओनली, सेकेंड ऑप्शन है आपको वन एंड टू ओनली, और सी ऑप्शन है वन एंड थ्री ओनली, और डी है टू और थ्री।
तो चलिए आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए और मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए ये प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन क्या है, नॉन स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है। ये इस पर कौन लॉ बनाता है, इसका जो मेन चेयरमैन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन है ना, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरेटरी, इसका भी ये नहीं होगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए यानी कि वन वनली होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो इसमें पूछा जा रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाई दैट, ठीक है। तो कहता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या चीज़ बताता है। तो कहता है सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो इसेंशियल टू इट दे कैन नॉट बी अब्रोगेटेड। ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रोगेट और टेकन अवे। और ऑप्शन नंबर सी है द क्वेश्चन कैन नॉट बी अमेंड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 368। और आपका लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट इट्स रियल स्प्रिट, ठीक है। ये चार ऑप्शन है बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड। कहता है यहाँ पे कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के सर्टेन, ठीक है, फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अब जब हम इसका बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है यानी कि बाउंड्री है जो इंडियन का जो भारत का बाउंड्री है उसमें आप किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है बिहार है, ठीक है, बिहार को आप इंडिया के अंदर, इंडिया का इंडिया में है बिहार, है ना, इसी तरह से यूपी में है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि बिहार अगर सोचिएगा कि हम जाकर के दूसरे कंट्री से इसको मर्ज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इंडिया का जो बाउंड्री है, ठीक है, उसमें किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको टुकड़े में कर सकते हैं, ठीक है। यही कहता है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट सीधा सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो इसेंशियल टू इट दे कैन नॉट बी एग्रोगेटेड, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब 1995 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। तो 1995 का क्वेश्चन पेपर क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए ये जो 1995 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये है आपका कमिटी से रिलेटेड। तो कौन सा कमिटी है, दिनेश गोस्वामी कमिटी वाज कंसर्न विद। कहता है दिनेश गोस्वामी कमिटी था किससे संबंधित था। तो कहता है डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोल रिफॉर्म स्टेप टू पुट इंसर्ट इन नॉर्थ ईस्ट, और डी ऑप्शन है द प्रॉब्लम ऑफ द चाक मास, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर टू है 1995 का। इसमें ये पूछने का प्रयास कर रहा है किससे रिलेटेड है, फर्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका कन्वेंशन से रिलेटेड है। तो क्या कन्वेंशन है, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेसली स्टार्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन। कहता है कि कौन सा, ठीक है, एक्सप्लिसिट स्टेट नहीं एक्सप्रेस करता है, ठीक है, लेकिन वो फॉलो करता है कन्वेंशंस को। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शंस जो है, पहला ऑप्शन है आपके सामने ये कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। कहता है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किसका मेंबर होता है, लोअर हाउस का। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है कहता है द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ लॉसेस मेजोरिटी इन लोअर हाउस। कहता है प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे सकता है, ठीक है, कब, जब वो उसका मेजोरिटी लोअर हाउस में कम पड़ने लगेगा, लूज करने लगेगा। और सी ऑप्शन जो है आपका ये ऑप्शन है कहता है ऑल पार्ट ऑफ इंडियन इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहता है कि इंडिया का प्रत्येक पार्ट रिप्रेजेंट करता है काउंसिल मिनिस्टर्स को। और डी ऑप्शन जो है कहता है इन इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग ऑफिस
सिमिलेटेसली बिफोर द एंड ऑफ देयर फीचर्स टेन्योर द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल एफिशिएट। ये जो ऑप्शन नंबर है इसका कह रहा है ऑप्शन नंबर बी द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ लॉसेस मेजोरिटी इन लोअर हाउसेस। ठीक है, तो ये है इसका। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है लोक आयुक्त से रिलेटेड। तो देखिए क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट इन विच द लोक आयुक्त एक्ट इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर इन एम्बिट। कहता है कि कौन सा स्टेट है, ठीक है, जिसमें कि लोक आयुक्त एक्ट इंक्लूड है और चीफ मिनिस्टर उसमें इंबिट करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस चार ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल यानी केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश यानी ओडिशा, उसके बाद आपका चौथा आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन है राजस्थान एंड कर्नाटका। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ये सब नॉन स्टैटिक क्वेश्चन है ना, तो इस चीज से रिलेटेड। चलिए चलते हैं आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें ये पूछने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बताया पूछा जा रहा है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिस्पेक्ट टू द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपको पता होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं हम, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें दो होता है। ठीक है, दो ऑप्शन कौन कौन सा होता है, पंचायती राज रूरल एरिया के लिए है ना, पंचायती राज रूरल एरिया में होता है, और दूसरा होता है आपका म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये होता है आपका अर्बन एरिया में। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है लोकल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। चलिए अब देखिए इसका जो ऑप्शंस दिया गया है आपके लिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस है। ठीक है, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टीयर इन द फेडरल सिस्टम। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कि लोकल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट मतलब फेडरल सिस्टम नहीं है। आप दूसरा जो है कहता है 30% ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडी आर रिजर्व फॉर वुमेन। कहता है 30% सीट जो रिजर्व रहता है किसके लिए, वुमेन के लिए रहता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है कहता है यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। कहता है लोकल गवर्नमेंट को जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो कमीशन के द्वारा किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, कहता है इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर टू बी डिटरमाइंड बाय ए कमीशन। कहता है इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए इसका वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा से देखिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमको देखना है कौन कौन सा करेक्ट है। पहले तो ये जान लें कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसका जो देखिए ये भी करेक्ट है, ठीक है, उसके बाद ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट ईयर, क्या ये सही है, नहीं सही है। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसमें ये पूछा जा रहा है किस चीज से रिलेटेड है, पहले ये देख लेते हैं, ये भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, देखिए कहता है कौन सा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद आपको कोड दिया हुआ है। तो देखिए चार स्टेटमेंट है, कहता है मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फेडरल फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार दिया है कोड। ठीक है, इसमें आपको चूज करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर्स होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। नेशनल पार्टी कहने का ये अर्थ है कि नेशनल लेवल पे उसका कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है। ये रीजनल पार्टी है, जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सारे के सारे क्या है, ये रीजनल पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी हो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो, या हो आपका पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे है, ये क्वेश्चन से आपका रिलेटेड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। पढ़ देते हैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे, कहता है इफ एन इलेक्शन टू ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस हिज डिपॉजिट इट मींस टू। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए पॉलिटिकल पोलिंग वाज वेरी पुअर द इलेक्शन वाज फॉर ए मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑप्शन नंबर सी है द इलेक्टेड कैंडिडेट बाइस ओवर हिज नियरेस्ट रिवाइवल वाज वेरी मार्जिनल, और ऑप्शन नंबर डी है ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की जब बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, ये इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। कौन सा इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड के रिस्पेक्ट में करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट, जिसमें कभी भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका आप जानते हुए भी मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, कहता है रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, और ऑप्शन नंबर बी है द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड नोटिफाइड फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय होम मिनिस्ट्री एट द सेंट्रल एंड होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। ऑप्शन नंबर सी है द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय इलेक्शन कमीशन एंड नोटिफाइड फॉर इलेक्शन इज इशू बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, कहता है बोथ द एक्सरसाइजेज ऑफ मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन एंड दैट ऑफ इशू नोटिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ इट डन बाय इलेक्शन कमीशन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कहता है और देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं ऑप्शन नंबर ए, कहता है पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कौन सा इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग सही है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया था, ये दिया गया था, कहता है कि द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, और नोटिफिकेशन इलेक्शन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, किसके द्वारा इशू किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड है, ये है आपका ये आपका ऑप्शन नंबर है, कहता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा, ठीक है, लीगल और डिवाइसेस के। देखिए क्या है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट इन इंडिया, कहता है कि स्टेट और इंडिया के बीच कौन कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, आगे पहले स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद आपका कोड दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है कहता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा स्टेटमेंट है द गवर्नर कॉन्फ्रेंस, और तीसरा है जोनल काउंसिल, और चौथा है द इंटर स्टेट काउंसिल। तो देखिए इसके जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक और टू, बी है ऑप्शन है वन टू वन थ्री और फोर, सी है थ्री और फोर, और डी है फोर ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए एक एंड दो। तो देखिए एक और दो क्या स्टेटमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और दूसरा है गवर्नर कॉन्फ्रेंस, ये जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th नंबर क्वेश्चन जो है ये है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, पॉसिबल विद नोटिफिकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक एंड दो तीन, ठीक है, एक दो तीन ये करेक्ट है। तब तक